हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो फिर से मैंने स्पेस लगा रखा है, बहुत धूप है और वैसे ये न्यू ईयर ईव है। जी हाँ, 31 दिसंबर 2023। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इस बार मैं विंटर वेकेशंस हैं तो अपनी फैमिली के साथ आया हूँ बॉम्बे गोवा टूर। बॉम्बे में मेरा एक दूसरा घर भी है, दूसरा बंधु भी मेरे बड़े भाई साहब, उनकी बेटी रहती है और उसकी वजह से हम हमेशा ये करता हूँ, दिल्ली से पहले बॉम्बे आ जाता हूँ और बॉम्बे में मैं उनके पास एक गाड़ी है जिसको लेके फिर हम गोवा जाते हैं। मज़ा आता है, थोड़ा सा एक रोड ट्रिप भी हो जाता है प्लस गोवा के 2-3 दिन। और इस बार मैंने वही सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि सारे उस रूट पे आते हैं। हैविंग सेड दैट, आज मैं क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि कई बार ना लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं और आई थिंक इस वीडियो का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि आपको ये बताना कि क्यों खासकर महाराष्ट्र की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कट ऑफ बहुत हाई जाती है। देखिए, मैं हमें कभी भी ये नहीं कहता कि कॉलेज बेकार है, कॉलेज घटिया है। डेफिनेटली कुछ एवरेज कॉलेज भी हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इतना महंगा होने पर भी कट ऑफ क्यों ऊपर जाती है। तो मेरे पीछे आप बहुत दूर से देख रहे हैं अस्पताल, सामने आपको शायद दिख रहा होगा वीडियो में, क्योंकि फिर से देखिए पास जाओ तो फिर गार्ड वगैरह तंग करते हैं। के जे सोमैया हॉस्पिटल और उसके बगल में है मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, पूरे बॉम्बे सिटी में एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, या दो सॉरी, एक तरना मेडिकल कॉलेज भी है जो न्यू बॉम्बे की तरफ पड़ेगा। सो आप समझिए, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, ठीक है, खासकर क्योंकि जो मेरे श्रोता है ना वो नॉर्थ इंडिया के होते हैं। नॉर्थ इंडिया में यूपी के अलावा बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, तो डिस्टेंस का हमको आइडिया नहीं लगता है। और दिल्ली वालों के लिए तो क्या, दिल्ली से ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही है, और उत्तर प्रदेश वाले भी बड़े स्मार्ट रहे हैं, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज उन्होंने हापुड़ नोएडा में खोले हैं, शायद 10 के ऊपर कॉलेज हैं 30 में से यूपी के, जो कि उसी बेल्ट में आया था, दिल्ली से 2 घंटे के रास्ते पे, अग्रीड। तो दिल्ली से 2-2.5 घंटे के रास्ते पे आपको शायद 10 से ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं। और यूपी कॉलेज में कोई फ़ीस की रियायत नहीं है, तो जितनी भी सीटें हैं यूपी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, जो 31 कॉलेज में शायद 5,000 सीटें हैं, वो सबके लिए अवेलेबल है। ऑफकोर्स यूपी ओपन स्टेट भी है, ऐसे हरियाणा में भी आधी सीटें हैं जो हरियाणा कोटे की, जिसमें रिजर्वेशन होता है, लेकिन कोई फ़ीस का बेनिफिट नहीं है। ये बार बार मैं फ़ीस बेनिफिट क्यों बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र लाइक साउथ इंडिया के 5 स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें फ़ीस का बहुत भयंकर बेनिफिट है। बंगाल में भी है फॉर दैट मैटर, हमें क्लियर होना चाहिए। भयंकर मतलब यहाँ पर जनरल कैटेगरी की फ़ीस है सिर्फ 8 से 9 लाख रुपए, ओबीसी की उससे आधी 4-4.5 लाख रुपए, और SC ST तो 1.5 लाख रुपए साल की फ़ीस है। जब इतनी सस्ती फ़ीस होती है तो कोई बच्चा अपनी सीट छोड़ता नहीं है। तो अगर KJ सोमैया में 100 सीटें हैं तो 85 सीटें तो कोई नहीं छोड़ेगा ना, तो उसकी जो कट ऑफ होती है महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेज की वो बिल्कुल सरकारी के बराबर ही रहती है। मतलब जनरल कैटेगरी वाले फिर भी शायद 2-4 छोड़ दें जिनके पास 8 लाख 9 लाख रुपए साल के देने के भी ना हो, बट 1.5 लाख और 4 लाख महीना पर तो कौन ही छोड़ेगा साल में, राइट। तो इससे होता क्या है कि अगर आप एक महाराष्ट्रियन हैं और आपके 450 नंबर भी हैं, 480 नंबर हैं, 520 नंबर हैं, आपके पास कोई सीट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ना आपको सरकारी मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, और ना आपको प्राइवेट मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की सीटें तो कोटे वाले भी ले जाएंगे अपनी अपनी। देखिए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। तो पूरे महाराष्ट्र में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हम जानते हैं, सब नाम जानते ही हैं, 2 MGM के कैंपस हैं, MGM औरंगाबाद में भी है, 3 DY पाटिल के हैं, 2 भारतीय विद्यापीठ के हैं, 2 दत्ता माघे के हैं, 1 लोनी में हैं। और लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता है वो पूरे बॉम्बे बेल्ट में 2 ही हैं, फिर से एक इसमें और एक तरना। तो ये है KJ सोमैया मेडिकल कॉलेज, बहुत शानदार लोकेशन है ये। मैं बहुत दूर खड़ा हूँ क्योंकि मेरे सामने तो बड़ा आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, और ठीक हमारे उस तरफ जो है ना ये ईस्टर्न एक्सप्रेस वे है, जो मतलब वी आर राइट इन द मिडल ऑफ सिटी, नॉट एग्जैक्टली मिडल, पर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से एक बड़ा फेमस स्पॉट होता है दादर TT। वो दादर TT जो है वो खाली 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर था, दैट मीन्स 5 किलोमीटर में हम दादर TT भी पहुँच जाएंगे। तो जो भी बॉम्बे को जानता है, वी आर राइट इन द मिडल, कोई हम कोने में नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम साइड पे हैं, कोई शहर से हटके है। तो अब समझ लीजिए कि अगर बॉम्बे का रहने वाला है, सस्ती फीस है, तो आप कोई छोड़ोगे? तो 15% वो जो IQ+NRI कोटा है महाराष्ट्र में, जैसा कि जो उसमें भी है कर्नाटका में, पर उसको OQ बोलते हैं, इसको IQ बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल कोटा और NRI, जिसकी फ़ीस सीधा 40,000 रुपये साल की जाती है, और वही ओपन होती है सबके लिए, और वही बाहर के बच्चे ले भी सकते हैं। दूसरा, भाई फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अब महाराष्ट्र के आप रहने वाले हैं, पैसे वाले हैं, बॉम्बे पूना बेल्ट में आप रहते हैं, बॉम्बे न्यू बॉम्बे, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, ऑप्शन ही नहीं आपके पास अगर आपके बच्चे के 500 नंबर आए हैं, आप दूर नहीं भेजना चाहते, तो आप कहाँ लोगे एडमिशन्स? MGM,
के जो पहले कैंपस था अब दूसरा आ गया, और इसलिए कभी कभार डी वाई पाटिल पुणे और नवी मुंबई चाहे 1.5 करोड़ रुपया पैकेज मांग रहे हैं, फिर भी बॉम्बे पूना बेल्ट के लोग ले लेते हैं, क्योंकि वो वही बात है, बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहते। तो आपके शायद 350 नंबर आए भी हैं, आपको नॉर्थ में या यूपी में या शायद राजस्थान में मिल जाएगा, पर वो कहते हैं 1.25 करोड़ वहाँ खर्च करने हैं, तो भैया फिर 1.5-1.50 खर्च करके बच्चों को अपने पास ही रख लें। और हम जानते हैं बॉम्बे में जिसके पास पैसा है वो भयंकर पैसा है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है केजे सुमैया, और पूरा जो ग्रुप है ना, ये लैंड है, जैसे केजे सुमैया एजुकेशनल ट्रस्ट की लैंड है, वहाँ पर आगे केजे सुमैया बीटेक कॉलेज भी था। ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, देखिए लिखा हुआ कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी भी है और मेडिकल कॉलेज तो है ही, क्वालिटी में कोई डाउट है ही नहीं, बहुत पुराना कॉलेज है। हॉस्पिटल जैसा मैंने कहा शहर से बहुत अच्छी लोकेशन है, पेशेंट फ्लो वगैरह वगैरह, फैकल्टी का मिलना कोई दिक्कत होगी नहीं कि बट इस मेन बॉम्बे, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे भी, देखिए आपको पता ना विरार भी बॉम्बे में कहा जाता है और पनवेल भी बॉम्बे में कहा जाता है जहाँ पर एमजीएम का कैंपस है, बट इट्स लाइक राइट इन द सेंटर ऑफ द बॉम्बे। तरना मेडिकल कॉलेज फिर भी न्यू बॉम्बे में है, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में बॉम्बे में, जो कि बॉम्बे के बहुत सारे सरकारी कॉलेज मैंने देखे रस्ते में, दो वो KEM आया था अभी जो कि सेठ गोवर्धन दास मेडिकल कॉलेज है, या जुहू में जो आर्यन कूपर मेडिकल कॉलेज आता है, सब मैं जब घूम रहा हूँ, मैं कल से आया हूँ, परसों कल सुबह आ गया था और कल और आज बॉम्बे हूँ, फिर हम निकल जाएंगे गोवा के लिए। समझाने मेरा पर्पज़ यही था आपको कि क्यों डीम यूनिवर्सिटीज महाराष्ट्र में खासकर कट ऑफ आई जाती है, और सेम लॉजिक कर्नाटका में भी लगता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा जहाँ पर भी स्टेट डोमिसाइल के बच्चों को सस्ती एजुकेशन मिल रही है, तो कर्नाटका में तो 1.5 लाख की फ़ीस भी है ना जो मेजोरिटी सीट्स के लिए है, तो चाहे आप कर्नाटका के 450 नंबर के बच्चे हो, आप महाराष्ट्र के 450 नंबर के बच्चे हो, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। दिल्ली में फिर भी फ़ायदा ये है ना कि अब 400 नंबर वाले हैं, 350 नंबर वाले भी हैं, बजट कम SGT गुड़गांव जिंदाबाद है, मुलाना है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये फ़र्क हमेशा समझिए। तो कट ऑफ्स एक ट्रू पिक्चर कभी नहीं देती, क्योंकि हम ये लोकल डायनेमिक्स को नहीं समझते इंडिया की, जो मैं समझाता हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को। और इसी तरीके से आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट पॉसिबिलिटी चाहते हैं, आप जानते ही हैं, 9643362320 पे कॉल कीजिए, यही नंबर रिसेप्शन में भी है। और मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि हम अच्छा काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, किसी को कॉल बैक नहीं करते, किसी को टेलीकॉलिंग नहीं करते, इसलिए हम किसी से फ्री में चार्ज बात भी नहीं करते। मिनिमम बात करने का 2500 रुपये फ़ोन कॉल पे, 5000 रुपये फेस टू फेस मीटिंग, और फिर डिसाइड होता है कि आपको हमारा कौन सा पैकेज सूट करेगा। मैंने एक वीडियो डाल दी है चैनल पे कि क्यों हमारा MBBS का पैकेज 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक जाता है, उस वीडियो को देखिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस लिंक, वो वाला लिंक हर वीडियो में डालूँ, ताकि आप ज़रूर उस वीडियो को देखने के बाद ही मुझे कॉल करें या हमारे साथ संपर्क स्थापित करें। ठीक है, हैव अ नाइस डे। और अभी तो बहुत समय है, बच्चों से मैं अपील करूँगा, पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, और कोशिश कीजिए सरकारी सीट निकले, सरकारी ना निकले तो प्राइवेट में टॉप कॉलेजेस मिले। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।